हमारे देश में चीजों से भी एक अलग सा रिश्ता बन जाता है। रेडियो हो या पहला टीवी, हमारे पास सबकी एक यादगार कहानी होती है। आपके पापा को रिमोट के लिए लड़ता देखकर दूरदर्शन पर मोहल्ले के साथ मैच देखने की कहानी सुनाते हैं। माँ ने माइक्रोवेव तो खरीदा था, पर सालों तक उसमें सिर्फ खाना गर्म करने की कहानी। दादाजी अभी भी पुराने ट्रांजिस्टर को छत पर सुनते हुए तारों को देखने की कहानी सुनाते हैं। और दादाजी के पहले मोबाइल की कहानी, जिसमें वो बातें कम और दादाजी से अलग रेडियो ज्यादा सुनती थी। क्यों ना इस साल फिर से नई कहानी बनाते। पापा प्लीज, मुझे नया टीवी चाहिए। पापा मुझे भी नया टीवी चाहिए, से अलग पिक्चर देखने के लिए। सुनिए, नया माइक्रोवेव ले लेते हैं। इस बार बच्चों के लिए पिज्जा बनाऊंगी। बेटा, मेरा ये जो बड़ा फोन है ना, इसमें ना तो रेडियो है और ना ही इसकी कुछ आवाज सुनाई पड़ती है, तो तू मुझे एक नया म्यूजिक सिस्टम दिला दे। अरे, इन सब चीजों को पसंद करने में तो हफ्ते निकल जाएंगे। कल सुबह 11 बजे चले। अरे मनोज जी, कल ठंडा पीने आए फैमिली के साथ? जरूर। ठीक, खेलती रिश्तों की डोरियां, कुछ पुरानी कुछ नई सी है ये कहानियां। रिश्तों में खुशियों की जरूरत है, खुशियों में खुशियों की जरूरत है। वैल्यू प्लस पापा, ये वाला पापा, ये वाला दोनों ही अच्छे, डिसाइड कर लो। तो कौन सा वाला पसंद है? पापा, क्या हुआ? लगे हाथों मेरे लिए भी एक रेडियो वाला म्यूजिक सिस्टम खरीद लेना। छत पे लेटे हुए तारे देखते देखते गाने सुनूंगा। जब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो तो सिर्फ वैल्यू प्लस आपके लिए बिलवाई, और जब भरोसे की बात हो तब भी वैल्यू प्लस।